हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज क्या है मेरा कोचिंग का, जो मेरी लैंग्वेज जो मैं सीख रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने सीखनी है, मतलब अभी सीख नहीं रहा, अभी जो मैंने सीखनी है, तो उसकी जो क्लासेस हैं वो आज से स्टार्ट है, ठीक है। तो आज में मेरा वहाँ का पहला दिन, तो देखते हैं कैसे क्या रहेगा। तो अभी मैं होता हूँ थोड़ा सा रेडी, पहले मैं अभी अपना खाना खुना बना के खा के फिर चलते हैं, क्योंकि टाइमिंग जो है 2 से 5 की है, तो अभी टाइम हुआ 12 बजे हैं, तो मतलब 12:05, पूरे 12 नहीं, 12:05 हुए अभी। तो अभी हम मतलब खाना खुना खाते हैं, बनाते हैं, फिर देखते हैं निकलते हैं 1 बजे के बाद, क्या टाइमिंग है बस वगैरह की। यहाँ से अप्रोक्सीमेट वो है 3 किलोमीटर के आसपास, तो बाई बस देखते हैं, बाई बस चले जाएंगे और फिर देखते हैं। बाकी अभी खाना पीना खा के मिलते हैं आपको, और फिर होंगे तैयार, वो दिखाते हैं आपको। तो गाइस, मैं हो चुका हूँ रेडी अपना कोचिंग पे जाने के लिए सेंटर पे। तो मुझे यहाँ से लगने हैं, पहले मैं यहाँ से जाऊँगा बस स्टॉप पे, थोड़ी दूर है यहाँ से, क्योंकि जो टाइमिंग है 1:40 की है उसकी, 3 मिनट लगाएगी वो। उसके बाद आगे भी पैदल है, यहाँ से पैदल जाना है, 12 मिनट का रास्ता जो दिखा रहा है आगे, फिर 6 मिनट का रास्ता पैदल है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, बैग वगैरह मैंने कर लिया है तैयार, ठीक है। तो छोटा सा बैग है, कुछ नहीं, मैंने अपने डॉक्यूमेंट लिए हैं और कुछ नहीं लिया फालतू का, और बस इतना ही है। अभी आपको लेके चलते हैं वहीं पे, तो दिखाते हैं आपको सफ़र, ठीक है, बस स्टॉप पे जाके मिलते हैं। तो बस मैं निकल चुका हूँ घर से अपना कोचिंग की तरफ, सेंटर की तरफ जाने के लिए। तो अभी मैंने जो मैप पे देखा ऑनलाइन, चेक किया कि बस है या ट्रेन, तो मुझे इसमें ट्रेन सही लगी, क्योंकि बस भी और ट्रेन दोनों तो एक जगह से ही पकड़नी है। बस ट्रेन का जो ट्रेन का स्टेशन है उससे थोड़ा आगे चल के क्रॉस करते ही बस स्टॉप है, तो वहाँ से बस मिलनी है, बट पहले मैं ट्रेन ही ले लेता हूँ, उसके बाद अपना, क्योंकि ट्रेन जो है मेरे को थोड़ा और पास उतारेगी मेरी सेंटर के, और बस थोड़ा दूर भी उतारेगी, और बस में लगना भी टाइम भी है, और ट्रेन में टाइम कम लगना है, दोनों की टाइमिंग सेम है, 2-3 मिनट का फ़र्क है। ट्रेन लगाएगी 1 मिनट, बस में लगाना 6 मिनट। तो अब मिलते हैं आगे चल के ट्रेन की स्टेशन पे ही। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ अपना स्टेशन पे, कम्बोई स्टेशन पे, मेरे बिल्कुल सामने है। इस टाइम मैं आपको बैक कैमरा दिखाता हूँ अभी। तो गाइस, ये है स्टेशन, अब इसमें बस आएगी ट्रेन, जो ट्रेन आएगी कम्बोई बोलते हैं इसको, 1:42 पे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अंदर बैठ के। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ इस टाइम अपना मेट्रो स्टेशन पे, कम्बोई स्टेशन। तो अब इसके बाद आप मिलते हैं आपको अंदर बैठने के बाद ही, 1:42 पे आएगी और 1 मिनट बाद ही पहुँच जाएगी, क्योंकि अगले स्टॉप पे ही जाना है। तो मिलते हैं उसके बाद ही, पहुँचने के बाद ट्रेन में, मतलब ट्रेन में बैठने के बाद। तो गाइस, मैं बैठ चुका हूँ अपना कम्बोई में, और हम निकल चुके हैं अपने स्टॉप से, और मैंने जाना है सिर्फ और सिर्फ अगले स्टॉप पे उतरना है, मुझको ज़्यादा दूर नहीं जाना, नेक्स्ट स्टॉप पे उतरना है, जिसमें सिर्फ पूरा 1 मिनट ही लगना है, और फिर वहाँ से उतरने के बाद पैदल है, वो भी दिखाते हैं आपको, पूरा सफ़र दिखाएंगे, और फिर अंदर क्लास का भी दिखाएंगे। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ अपना जामे कुतरा, तो लवा रहा दिया स्टॉप का नाम है लवरा दियो, ठीक है, ये लिखा हुआ है सामने। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर, तो मिलते हैं आपको बाहर पहुंच गए। तो गाइस, इस टाइप ना मैं प्रॉपर एक जैसे गांव का एरिया होता है ना, उस एरिया में आ चुका हूँ, मतलब मैप के थ्रू जा रहा हूँ, तो उसी एरिया में से निकल गए थे। ये बारिश के कारण पानी जमा हो रखा है,
तो देखते हैं आगे कहाँ जाना है, बने रहना वीडियो में, दिखाऊंगा आपको ना अगर मैप चेक कर लूँ। तो भाई मुझे लगता है कि मुझे ना स्टॉप से स्टेशन से उस साइड ही जाना पड़ेगा लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो मिलते हैं उस साइड पहुंच के मिलेंगे। तो भाई यहाँ से अब मैंने जाना है बिल्कुल सामने स्ट्रेट की तरफ, ऊपर की तरफ जाना है मैंने, यहाँ पे ना इस साइड जाना है। तो मिलता हूँ आपको आगे चलकर ही, क्योंकि लेट हो चुका हूँ, पूरे 4 मिनट रह रहे हैं 2 बजने में और टाइम हो चुका है 1:56, तो 4 मिनट, तो अभी मतलब 4 मिनट लेट ही पहुंचूंगा। तो चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं आपको आगे चलकर वहीं पहुंच के। तो भाई मैं पहुंच चुका हूं थोड़ा सा और आगे, मतलब जहाँ मैं आपको लोकेशन दिखा रहा था वहां से, अभी मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देता हूं। तो भाई ये वो लोकेशन आपको वहां से दिखा रहा था, और अब मैंने जाना है इस साइड। कि वहीं देखते हैं क्या रहेगा। यहाँ तो उसकी लोकेशन मतलब बिल्कुल गांव का एरिया है, बच्चे स्कूल भी हैं, स्कूल ही नीचे है। स्कूल उस तरफ है। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ, ये पीछे आप देख ही रहे हो लाइन में खड़े हैं लोग, ठीक है। तो ये अपना सेंटर, तो मिलते हैं सेंटर के अंदर जाकर ही, तो मिलते हैं अब उसके बाद आप बाहर निकल के बताते हैं आपको कैसा कह रहा। तो बने रहो। तो भाई इस टाइम ना मैं ना वीडियो मतलब कि अपना जो डेस्क है चेयर में बैठा हूँ, साइड में एक स्टैंड होता है जिसमें हम अपना कॉपी वगैरह रख सकते हैं, कॉपी वगैरह रख सकते हैं मतलब उस पर ना, तो मैं उसके नीचे से राइट से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं इनको यहाँ फ़ोन अलाउड है नहीं है, तो मैं नीचे चुपचाप से बना रहा हूँ। बाकी मैडम कुछ बता रहे हैं कि बंदा है अपने एरिया में, अभी करण नाम है इनका, पैसे डॉक्यूमेंट वगैरह मांग रहे हैं, तो बाकी देखते रहो दिखाते हैं आपको। तो भाई इस टाइम ना मैडम अपनी मतलब कि ईमेल आईडी लिख रही है, हमारे जैसे 3 टीचर हैं, एक जो लिख रही हैं ये है, ये कोऑर्डिनेटर है मेन, और जो उनके साइड में जो छोटे से खड़े हैं आई टी उनकी बहुत ज़्यादा छोटी है, ये हैं मतलब सोशल सपोर्ट के लिए, लाइक जैसे हमारी जो पेमेंट वगैरह आएगी, ठीक है ना, पेमेंट वगैरह ये देंगे डलेंगे अकाउंट में, जो मतलब क्लास ले रहे हैं पर दिन के 11 यूरो बनते हैं, 6 यूरो मतलब ये खाने पीने के हैं, बाकी 1.85 यूरो पर घंटे के हिसाब से, तो 3 घंटे क्लास है तो उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। बाकी गाइस इस टाइम अब हो चुका है ब्रेक, और सभी बच्चे अपना ब्रेक में बाहर जा चुके हैं, बट मैं अंदर ही बैठा था वीडियो बना रहा था। कुछ ही बच्चे अंदर बैठे हैं, कुछ बाहर हैं, और मैडम अपने लगे हुए फ़ोन पे, तो देखते रहना, मिलते हैं आपको क्लास के एंड में बाहर जाकर। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ अपना सेंटर से बाहर, हो चुकी है हमारी छुट्टी, तो मैं आ चुका हूँ अपना रोड पे, ये पीछे मतलब कि बस स्टॉप है, इसमें अभी बस आएगी, तो अभी मिलते हैं आपको सीधा घर जाकर ही, बताते हैं आपको घर जाके क्या क्या कह रहा है कैसे। तो गाइस मैं उतर चुका हूँ अपना बस में से, और अब मैं जा रहा हूँ अपना सीधा घर की तरफ, तो घर पे बैठ के आपको आराम से बताऊँगा कि क्या क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है, आज क्या हुआ तो कुछ बताऊँगा। तो मिलता हूँ आपको घर पहुँचने के बाद ही। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अपना घर पे, ठीक है। तो आज
मेनली क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस आज उन्होंने हमको दिया कॉन्ट्रैक्ट वगैरह डॉक्यूमेंट दिए, तो ठीक है उसमें बताया कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपको कितने पैसे के किस हिसाब से मिलेंगे, मतलब कि पर डे के हैं 6 यूरो और पर घंटे के 1.85 यूरो, मतलब जिस दिन हमारी क्लास है उस दिन के हैं, और जो हमारा जो पास है 40 यूरो जो हम रिचार्ज करते हैं वो भी हैं, वो मतलब पूरे महीने के वो तो मिले जाएंगे वो अलग से हैं। तो अभी हमने देखना है, पहले मैंने अपना बनवाना है अपना जून का, मतलब यहाँ का एड्रेस का एक प्रूफ बनता है वो बनवाना है तो वो देना है, और जो बैंक अकाउंट है वो खुद ही मतलब मेल करेंगे मंडे को ना, अभी मंडे को मेल करेंगे, तो उसके बाद ही वो स्लिप लेके जानी है मेरे को किसी बैंक में, तो उनको जाके वो दिखाना है तो उसके भी आपके अकाउंट खुल जाएगा। बाकी देखते हैं वहीं जाके पता चलेगा मेन क्या है क्या नहीं। तो मैं तो आज के लिए इतना था, बाकी अभी तो मिलते हैं हम किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।